जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एमएड के बारे में। एमएड को लेकर बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि जो एमएड के एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म आने वाले हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के, तो उनको लेकर बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि जिनका इस बार फाइनल ईयर है वो क्या उसके लिए फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं एमएड को लेकर, तो आपके जितने भी क्वेश्चन क्वेरी हैं वो सब इस वीडियो में फुलफिल होने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी तरीके करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, एमएड के लिए सभी यूनिवर्सिटीज, अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम कराती हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है जैसे हम बीएड के लिए उत्तर प्रदेश में आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें अलग अलग इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो यदि आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी से एमएड करना है तो उसके लिए आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा। तो इस बार के जो सीसीएस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म है एमएड के लिए, वो आपके 15 जून से फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। 15 जून से आप उनको फिल करना स्टार्ट कर देंगे। आप 15 जून से आप अपना एंट्रेंस फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 10 जुलाई। 10 जुलाई तक आप एंट्रेंस फॉर्म फिल अपना कर सकते हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जिन बच्चों का इस बार फाइनल ईयर है, यानी कि जिन बच्चों का इस बार 2021 में बीएड का फाइनल ईयर है, तो क्या वो इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, उनके लिए हम बता देते हैं कि जिनका इस बार फाइनल ईयर है, जिनका बीएड 2021 में फाइनल हो रहा है और वो फर्स्ट ईयर में प्रमोट किए गए थे, तो उनका फर्स्ट ईयर में भी कोई मार्क्स नहीं थे, अब सेकंड ईयर के अभी तक उनके एग्जाम हुए नहीं है, तो क्या वो फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि उनको छूट दी जाएगी। जिनका इस बार बीएड फाइनल ईयर है 2021 में, तो वो भी आपका एमएड के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब उनका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम इधर एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, उधर उनके बीएड के एग्जाम हो जाएंगे, बीएड के रिजल्ट आने के बाद में एडमिशन की प्रक्रिया तब शुरू की जाएगी। यानी कि अभी एमएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल हो रहा है, उसके बाद में एग्जाम होगा, उसके बाद में फिर मेरिट लगेगी, यानी कि फिर आपको कॉलेज मिलेगा। तो एमएड में यदि आपको एडमिशन लेना है सीसीएस यूनिवर्सिटी के कैंपस में या सीसीएस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जितने भी कॉलेज हैं, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। तो यदि आप भी एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एग्जाम अब मिस मत कीजिएगा, यानी कि आपको एंट्रेंस एग्जाम भरना कंपलसरी है। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, यदि आपकी बीएड इस बार फाइनल हो रही है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जिनकी बीएड पहले फाइनल हो चुकी है, पहले वो बीएड कर चुके हैं, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना एमएड का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है, जिनका बीएड पूरी तरीके से क्लियर है, यानी कि कोई बैक नहीं है, एक्स नहीं है, तो उनके वो ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपका बीएड कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई आपकी एक्स रह रही है, बैक रह रही है किसी पेपर में, तो फिर आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। आपका जो जब तक एडमिशन होगा उससे पहले पहले आपको वो चीज क्लियर करनी होगी। तो साथियों, यदि आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रहता है एमएड से रिलेटेड या अपना सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।